हेलो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिकल में हम थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसका वर्किंग किस तरीके से होता है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइव किस तरीके से मिलती है और वाल ऑपरेशन किस तरीके से होता है। ये हमारा मेन चीज़ है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं, सबसे पहले तो सभी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटर है, यहाँ पे फैन पुली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोकर आर्म असेंबली, वाल असेंबली आप देख सकते हो। ये जो है वो स्पार्क प्लग्स है कि जिस यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। ये इसका हाई टेंशन केबल, और ये जो हाई टेंशन केबल है वो कहाँ पे जा रहा है, तो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या है, तो कि 1, 2 और ये 3, ये तीनों पॉइंट है। जबकि ये बीच के अंदर जो भी है वो क्या है, तो कि कैप है कि जो रोटेट होती है अंदर की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 स्पार्क प्लग दिए हुए हैं। जबकि ये क्या है, तो क्या MPFI की कॉमन रेल है कि जहाँ से ये फ्यूल इंजेक्ट होता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर्स दिखाए हुए हैं। ये जो है वो क्या है, तो क्या फ्यूल इंजेक्टर है। और ये क्या है, तो क्या इनटेक मैनिफोल्ड है। अब हम इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट घूम रही है। अब अंदर की तरफ हम सिलेंडर के अंदर पिस्टन को रेसिप्रोकेट होते हुए देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक इंजन एक सिलेंडर के ऊपर फोकस करके देख सकते हैं। आप वाल ओपन हो चुका है, यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ आया, दोनों वाल क्लोज है, यानी पावर स्ट्रोक। ये एग्जॉस्ट वाल खुल चुका है, सिर्फ आप एक सिलेंडर के ऊपर फोकस कीजिए। ये सक्शन स्ट्रोक, एक वाल खुल चुका है। कंप्रेशन, दोनों वाल बंद है। पावर, दोनों वाल बंद है यहाँ पे। और ये एग्जॉस्ट, यहाँ पे आप राइट साइड वाले जो सिलेंडर है उसके अंदर आप पिस्टन का कट सेक्शन देख सकते हो, जिसके अंदर आपको ऊपर 3 रिंग है जो कंप्रेशन रिंग दिख रही है, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हो ऑयल स्क्रैपर रिंग। यहाँ पे कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट आपको दिख रही होगी, जिसको आप समझ सकते हो किस तरीके से। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जब आप पिस्टन नजीक आए तब आप देखोगे तो गर्जन पिन भी आपको दिखेगी जो पिस्टन के साथ कनेक्टेड है। अब दोबारा वाल की लोकेशन देखिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक चला। अब ये सक्शन यानी इंटेक वाल खुल चुका है, एग्जॉस्ट वाल बंद है। सिर्फ लेफ्ट वाले सिलेंडर पर फोकस कीजिए। कंप्रेशन, पावर, दोनों वाल बंद है और ये एग्जॉस्ट। अब इसी दौरान वाल मैकेनिज्म, आप यहाँ से तो आप वाल्स के समझ चुके हो किस तरीके से वाल्स ऑपरेट होते हैं और क्या है। यहाँ पे ये पहला सिलेंडर है, ये दूसरा है, और ये लास्ट वन यहाँ से आप देख सकते हो तीसरा वाला सिलेंडर। अब यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर लगाया हुआ है लुब्रिकेटिंग के लिए। यहाँ पे स्ट्रैगल घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइव दी हुई है उसको। यहाँ हम आगे बढ़ते, ये इंटेक मैनिफोल्ड है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। यहाँ पे हम और थोड़ा अंदर से देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टिंग रोड अंदर की तरफ, यानी ऑसिलेशन मोशन में कनेक्टिंग रोड नीचे आए तो पिस्टन के साथ वो वजन पिन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कनेक्टिंग रोड की बिगन बेयरिंग आपको दिख रही होगी। और राइट साइड में जो क्रैंक्स आपका जो भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कि काउंटर रिंग्स, जो क्या करते हैं, तो क्रैंक पिन जो भी है जहाँ पर कनेक्टिंग रोड लगा हुआ है, जिसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेट लगाना पड़ता है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो जो काउंटर रेट है उसमें होल बनाया हुआ है ना, तो वो क्या है, कि क्रैंक शाफ्ट को बैलेंसिंग जब करते हैं, क्रैंक शाफ्ट बैलेंसिंग उसके दौरान वहाँ से वो क्रैंक शाफ्ट के काउंटर रिंग्स पे हम होल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस होता है। देख सकते हो यहाँ पे इनटेक वाल खुला है, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट। ये वाल ऑपरेशन आप देख सकते हो यहां से, और ये कैम और उसका लॉब,
यहाँ से आप रोकर ऑपरेशन देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। थैंक यू।